कलंक और इश्क दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोग काफ़ी दूर भागते हैं, लेकिन भैया अगर एक बार दोनों में से कुछ भी लग गया तो फिर उसका इलाज बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू द फिल्मी रिव्यू ऑफ कलंक। फिल्मी इसलिए क्योंकि इसमें फालतू ज्ञान नहीं बल्कि फिल्म की बातें होंगी। आलिया भट्ट, वरुण धवन और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म कलंक रिलीज़ हो चुकी है। मैंने इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख भी लिया है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने फिल्म के बाकी स्टार्स का नाम क्यों नहीं लिया? अब यार फिल्म में जो दिखेगा उसका ही नाम लूँगी ना। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा, इनका नाम फिल्म के पोस्टर पे तो बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन फिल्म की स्टोरी से ही ये तीनों एकदम गायब हैं। कलंक एक पीरियोडिक फिल्म है जिसकी कहानी देश को आजादी मिलने से पहले 1946 में चल रही है। एक ऐसा टाइम जब देश में काफी सारा बवाल हो रहा था, कहीं पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तो कहीं पे अंग्रेजों को मारा पीटा जा रहा था। ऐसे में करण जौहर एक लव स्टोरी ढूंढकर लेकर आए हैं जो इन दंगों से किसी भी एंगल में कम नहीं है। नहीं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, वेट करने वाला एक तराजू लीजिए, उसके एक तरफ देश के बंटवारे को रखिए और दूसरी तरफ करण जौहर की फिल्म को रखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि कलंक फिल्म की कहानी हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड निकलेगी। बलराज चौधरी यानी संजय दत्त एक बड़े बिजनेसमैन है जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। इनका न्यूज़पेपर निकलता है दिल्ली टाइम्स नाम से, जिसमें हिंदू वर्सेज मुस्लिम के अलावा स्टील इंडस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आर्टिकल जरूर छापे जाते हैं। मतलब कहाँ देश में इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है लेकिन इनके पेपर में हीरा मंडी के लोहार की खबर छापना सबसे जरूरी बात है। इनके बेटे हैं देव चौधरी यानी आदित्य रॉय कपूर, जो विदेश से पढ़ाई करके काफ़ी टाइम बाद इंडिया लौटे हैं। इनके ख्याल में इंडिया की तरक्की सिर्फ तब होगी जब स्टील इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ लग जाएंगे। देश आज़ाद हो या ना हो लेकिन स्टील प्लांट जरूर लगने चाहिए। इंडिया से पाकिस्तान बने या ना बने लेकिन स्टील प्लांट जरूर बनने चाहिए। इनकी लाइफ की ट्रेजेडी है इनकी बीबी सत्या चौधरी यानी सोनाक्षी सिन्हा, जो वैसे तो बहुत वेल बिहेव्ड हैं लेकिन इनकी एक गंदी आदत है लड़कियाँ खरीदने की। अरे भैया मेरे ऊपर मत भड़कीये, फिल्म में बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है। मेरा काम है आपको सब कुछ सच बताना, तो यार मैं तो अपना काम करूंगी ना। ये जाती हैं रूप यानी आलिया भट्ट के पास और बोलती हैं कि तुम चलो एक साल के लिए मेरे घर और मेरे पति के साथ रहो। अब रूप भी इतनी भोली भाली है कि उनको अपनी दो छोटी बहनों की शादी करनी है, इसीलिए वो सत्या के साथ चली जाती हैं। मतलब आप पढ़ी लिखी हो, कोई अच्छी नौकरी कर लो, फिर अपनी बहनों को भी पढ़ा लिखा लो, फिर उनकी शादी कर दो। लेकिन नहीं, फिल्म किसकी है? करण जौहर की। तो लॉजिक किसके होंगे? करण जौहर के। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है जफर यानी वरुण धवन की। जफर उसी हीरा मंडी के लोहार हैं जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जाते हैं, याद है ना आपको ऊपर बताया था। जफर के साथ दिक्कत यह है कि वो अनाथ हैं। उनकी माँ कौन है, उनके पिता कौन है, ये वो तो जानते हैं लेकिन बाकी दुनिया नहीं जानती। जफर को जब भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो वो कभी VFX वाले बुल से थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेते हैं, नहीं तो अपने मोहल्ले की सुंदर लड़कियों के साथ आइटम सॉन्ग कर लेते हैं। फिल्म में रायता तब फैलता है जब जफर और रूप के बीच एक रोमांटिक एंगल स्टार्ट हो जाता है। मतलब सॉन्ग्स और स्टोरी तो ऐसा दिखाते हैं लेकिन मुझे तो प्यार दिखता नहीं है, मेरे चश्मे का नंबर शायद थोड़ा बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इन सब बातों के अलावा एक कैरेक्टर है बहार बेगम यानी माधुरी दीक्षित का। ये भी हीरा मंडी की एक हवेली में रहती हैं और ये पेशे से किसी ज़माने में तवायफ थी लेकिन अब लोगों को गाना सिखाती हैं। गाना भी इतना कमाल का कि इसकी आवाज़ 10-15 किलोमीटर दूर रूप के घर तक पहुँच जाती है और वो उसको पूरा इंजॉय भी करती हैं। फिल्म में आपको लॉजिक के अलावा बाकी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े स्टार्स हैं, 10-15 गाने हैं जो 2.5 घंटे की फिल्म में 2 घंटे स्क्रीन पर बजते रहते हैं। बाकी 30 मिनट की फिल्म में डायलॉग्स भी हैं, संजय लीला भंसाली की फिल्म जैसे कलरफुल सेट्स भी हैं और हाँ, हॉलीवुड को टक्कर देने वाले गंदे गंदे VFX भी हैं जो आपकी आंखों में दर्द कर सकते हैं। देखिए फिल्म की पूरी स्टोरी आलिया भट्ट के चारों ओर लिखी गई है, फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स उनके हिसाब से चलते हैं। जब उनको प्यार करना है तो स्टोरी में एक लवर आ जाता है, जब उन्हें अपने टूटे दिल को जोड़ना है तो एक हस्बैंड फिल्म में आ जाता है और जब उन्हें म्यूजिक सीखना है तो एक म्यूजिक टीचर को फिल्म में डाल दिया जाता है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का इस फिल्म में होना ना होना एक बराबर है। मतलब अगर एक साथ में उन दोनों की फोटो दीवार पर लगा देते और फ्लैशबैक वाली स्टोरी सुना देते तो भी फिल्म अपना काम कर लेती। वरुण धवन और आलिया भट्ट सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और दोनों ने कमाल की एक्टिंग की है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर आप 2.5 घंटे थिएटर्स में बोर नहीं हुए हैं तो वो सिर्फ आलिया और वरुण का कमाल है। आदित्य रॉय कपूर एक छुपा हुआ सरप्राइज है जो फैंस को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। उनका लुक और उनके डायलॉग्स दोनों किलर हैं, मतलब बंदे का स्वैग अलग ही लेवल का है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसमें डाले गए ज़बरदस्ती के फालतू के आइटम सॉन्ग्स जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सोचो IPL का मैच हो रहा है CSK वर्सेज KKR का
और उसमें विराट कोहली आके बैटिंग करने लगे, तो भैया उनकी बैटिंग तो अच्छी है लेकिन इस मैच में उनका कोई काम नहीं है, इस बात को आप समझ ही गए होंगे। वैसे एग्जाम्पल काफ़ी घटिया है लेकिन कलंक का थोड़ा असर मेरे ऊपर भी होने लगा है। यार देखो, कलंक के टिकट्स बहुत महंगे हैं इसीलिए सस्ते में निपट जाओ, और संजय लीला भंसाली की कोई पुरानी फिल्म दोबारा देख लो। सच बता रही हूँ, बाद में दिल से शुक्रिया बोलोगे। मेरी तरफ से कलंक को 5 में से 2 स्टार, 1 स्टार अरिजीत सिंह के गानों के लिए और 1 स्टार वरुण और आलिया की एक्टिंग के लिए। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।